इंदौर में लगातार आत्महत्याओं के मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। शुक्रवार को एक एम्बुलेंस चालक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कुछ समय पहले ही मूसाखेड़ी से घर को बदलकर भूरी टेकरी रहने अपने माता पिता के साथ आया था। हालांकि आत्महत्या के पीछे की कोई वजह सामने नहीं आई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र की भूरी टेकरी में रहने वाले 22 वर्षीय गणेश सिसोदिया ने अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मृतक एम्बुलेंस का चालक था, लेकिन उसने किस वजह से मौत को गले लगाया इस बात की जानकारी परिजनों को नहीं है और ना ही पुलिस को कोई सुसाइड नोट मृतक के पास मिला है। फिलहाल में पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। इन्हें फांसी लगा ली। ये एम्बुलेंस चलाता था यहीं से एम्बाई से। अभी तो अभी कुछ भी मालूम नहीं है। हम शांतिनगर रहते हैं। हमें उसका छोटे भाई ने फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो हम वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ पर उसकी मम्मी भाई वहीं रहते थे। इसने अपने घर में फांसी लगा ली है। कारण अभी परिजन आए नहीं हैं, कुछ रिश्तेदार आए हैं। परिजन आते ही जाँच में पता चलेगा क्या कारण रहा है।